एबीपीएस न्यूज गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखते हुए हमारी टीम जिला बिजनौर के ब्लॉक बुढ़नपुर चौहारा में स्थित बिशनपुरा गांव पहुंची। इस समय निरंजन सिंह को ग्रामवासियों ने अपना प्रधान चुनकर उन्हें यहां के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराया जा रहा है। लगभग 4000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 25 किलोमीटर ही है। लगभग 1350 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव की मौजूदा स्थिति से रूबरू होते हुए हमने पाया कि गांव में लगभग 500 राशन कार्ड धारक है। जब गांव में सरकारी सुविधाओं का जायजा लिया गया तो पाया कि वर्तमान में गांव में एक भी पेंशन लाभार्थी नहीं है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी विद्यालय में लगभग 33 बच्चे अध्ययनरत हैं, जो विद्यालय में शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए 20 हैंडपंप लगवाए गए हैं, वहीं 10 और हैंडपंप सरकार से लगवाने की मांग है। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसीटाइज रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाला व स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए वर्तमान ग्राम प्रधान ने गांव में सीसीटाइज रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाला, बारात घर, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 70 आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत 70 शौचालयों का भी निर्माण कराने की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। जो केंद्र सरकार ने जो पैसा दिया है मैंने उसका सही ढंग से प्रयोग किया है और आगे को भी जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार पैसा भेजेगी तो उसका भी मैं उचित प्रयोग करूँगा।